मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई नमिता सेठ वेलकम्स यू इन बीबी विन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी टुडे क्लास 10th पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स विच इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। नाउ हियर एक्चुअली इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोयम। ह्यूमरस मतलब क्या है, बट फनी टाइप की पोयम है इसमें। और इसमें कैरोलिन वेल्स ही सजेस्ट सम डेंजरस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, दैट एनिमल्स कैन बी डेंजरस टू यू ऑल्सो। एनिमल्स वैसे तो बहुत लवेबल होते हैं, लेकिन कई बार उस बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो पोइट है वो उनके आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं कि अगर आप किसी एनिमल को नहीं पहचानते हैं, यू आर न्यू टू एनी एनिमल, तो आप कुछ पोइट आपको ऐसे फीचर्स बताएगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी फनी टाइप ऑफ पोयम। एंड इन दिस पोयम द पोइट टेल्स यू अबाउट द वेरी स्ट्रेंज हैबिट्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कि वाइल्ड एनिमल्स के कुछ अच्छे, कुछ स्पेसिफिक या पिक्यूलर से क्या होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि पोइट क्या बताना चाहता है, कैसे एनिमल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। ओके, सो पोइट बोल रहा है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप बाय चांस कहाँ चले जाते हैं, टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी ईस्टर्न जंगल में अगर आप चले जाते हैं बाय चांस, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आगे से आपको आता हुआ कुछ ऐसा नज़र आए, क्या, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, यानी बड़ा सा टॉनी। टॉनी मीन्स क्या होता है, ऑरेंजिश या येलो कलर का जो होता है ना, दैट इज टॉनी। ठीक है, बीस्ट क्या होता है, द एनिमल दैट यूज टू ईट अदर एनिमल्स फॉर इट्स फूड। ठीक है, अपने खाने के लिए जब एक एनिमल दूसरे का एनिमल को खाता है ना, दैट इज बीस्ट। ठीक है, इफ इट रोज एट यू एज यू आर डाइंग, और ऐसा लार्ज बड़ा सा ऑरेंजिश येलो कलर का बीस्ट आपके सामने आ रहा है कहाँ पे, ईस्टर्न जंगल में, और वो इतना जोर से दहाड़ता है कि आपके प्राण निकल जाते हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो ऐसा कोई क्रीचर अगर आपको मिल जाता है जो इतनी जोर से दहाड़ता है कि आपका दम निकल जाए, आप मरने की स्थिति में हो जाए या मर जाए, दैट इज वो क्रीचर कौन सा होगा, वो होगा एशियन लायन। ठीक है, सो यहाँ एशियन लायन के उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। नाउ लाइन पैराग्राफ वाइज विल ऑल्सो डिस्कस द पोइटिक डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद राइमिंग स्कीम। यहाँ पर राइमिंग स्कीम हम देखते हैं, तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं इनके साउंड्स देखिए, चांस ईस्ट अलग ही साउंड, ए दे दिया, ईस्ट को हम क्या दे देंगे, बी दे देंगे। ठीक है, एडवांस चांस से काफी मैच कर रही है साउंड, इसको भी हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। बीस्ट जो ईस्ट से साउंड मैच कर रही है, तो इसे हम क्या देंगे, बी दे देंगे। डाइन एंड लायन दोनों की काफी मैच कर रही है साउंड, इसे हम क्या देंगे, सी, और लाइन को भी क्या दे देंगे, सी। तो द राइमिंग स्कीम विल बी ए बी ए बी सी सी। ओके, नाउ लेट सी द अदर पोएटिक डिवाइस। एक और आप यहाँ देखिए कि पूरे इस पैराग्राफ में ओ साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अलिट्रेशन में हम देखते हैं कॉन्सोनेंस और जो एसोनेंस होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, एसोनेंस में क्या होता है, वॉवल साउंड आती है, ए ई आई ओ यू की साउंड बार बार रिपीट होगी। ठीक है, दैट इज एसोनेंस। साउंड पे ध्यान देना है आपको, ज़्यादा वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं फर्स्ट अल्फाबेट जहाँ देखा कि रिपीट हो रहा है तो दे दिया उसे, नो, साउंड पे फोकस करना। देन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि बाकी के जितने भी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं वॉवल्स के अलावा, तो वहाँ अगर उनकी साउंड रिपीट हो रही है तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ लेट सी कि यहाँ पर देखिए ओ साउंड रिपीट हो रही है, शुड गो, शुड यू, ठीक है, रोर्स लायन, लायन में तो नहीं है, चलो रोर्स में है ओ साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो ओ साउंड रिपीट हो रही है इन वर्ड्स में, इस पैराग्राफ में, तो क्या आ जाएगा, एसोनेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है, देखिए कि यहाँ पर एशियन लायन लिखा है। एशियन लायन का क्या मतलब होता है, कि ऐसी फेमस प्लेस से उस
क्रीचर को या उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आज जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्यूजन। क्या बोलते हैं? एल्यूजन, ALLUSION, ALLUSION एल्यूजन होता है, यानी किसी भी चीज़ को आपने किसी स्पेसिफिक फेमस प्लेस से मतलब कनेक्ट कर दिया है तो उसे हम एल्यूजन बोलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए डाइंग की स्पेलिंग DYING होती है, पर यहाँ पर पोइट ने DYIN ही लिखा है, क्योंकि क्यों ऐसा करा, क्योंकि मैच करना है इसको डाइंग और लाइन को, ठीक है। तो जब पोएट अपनी पोइट्री में रिदम के लिए, राइम के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ कुछ चेंजेस कर देता है तो हम उसे वहाँ बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं? पोइटिक लाइसेंस, यानी पोइट के पास ऐसा लाइसेंस है कि वो किसी भी वर्ड्स में हेर फेर कर सकता है उसकी पोइट्री को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी अदर थिंग। हाँ, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ फॉर योर नॉलेज ओनली। इसमें देखिए ना, हम ये जानते हैं कि हमारी ग्रामेटिकली क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से ग्रामेटिकली एक सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए पोइट क्या करता है कि उसे ग्रामर्स के वो रूल तोड़ता है ना। तो जैसे शुड टू यू एडवांस, जबकि होना क्या चाहिए, शुड एडवांस टू यू, है ना। तो अब इसने यहाँ पर क्या है कि ग्रामेटिकल के रूल जो है ग्रामर के वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, INVERSION। तो ये इन्वर्जन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So, or if sometime when roaming ground, यानी कि कई बार अगर आप इधर उधर घूमते हुए, roaming मतलब क्या होता है, wandering here and there without any job, बिना किसी काम के अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो that is roaming, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, a noble, noble means royal, ठीक है, एक रॉयल सा बीस्ट आपको ग्रीट करता है, यानी आपके सामने से आता है, आपको आगे से आके मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और उसकी बॉडी पर क्या है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं ऑन येलो ग्राउंड, यानी उसका ग्राउंड कैसा है, येलो कलर का, यानी बेस कैसा है उसकी स्किन का, येलो, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखिएगा कहीं वो आपको खा ना जाए। यानी कि आप देखिए कि पहले तो हमने देखा कि एशियन लायन क्या करता है, सिर्फ इतनी जोर से दहाड़ता है कि आप मर जाएं, लेकिन यहाँ पर बंगाल टाइगर क्या करता है कि आपको खा जाता है, ठीक है। सो द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, तो आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि ऐसा कोई आपको येलोइश कलर का ब्लैक स्ट्राइप्स वाला कोई भी एनिमल मिलता है जो आपको खा सकता है, जो आपको सामने से बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है आपको खा जाएगा ऐसा, तो वो कौन होगा, द बंगाल टाइगर होगा वो। यहाँ पर भी देखिए कि कितना उसने मतलब टाइगर को किसी फेमस प्लेस से कनेक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एल्यूजन, ठीक है। देन रोमिंग राउंड, र की आवाज़ बार बार आ रही है इसलिए ये कॉन्सोनेंस होगा। ओ की पूरी पैराग्राफ में साउंड है ओ, और रोमिंग राउंड ग्राउंड नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पर ओ की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, मतलब एसोनेंस है ओ का। ओके, देन एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ इन्वर्जन के भी बारे में, तो यहाँ पर बस हम इतने ही हैं अभी। तो हमने कॉन्सोनेंस देखा, एसोनेंस देखा यहाँ पर, तो और एल्यूजन देखा, ठीक है। तीन टाइप के हमने पोएटिक डिवाइस देख लिए। थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फ्रॉथ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लिप्ड ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड Twill do not good to roar with pain. He will only leap and leap again. तो ये कौन है, लियोपर्ड भी बोलते हैं हम इसे, लिपर्ड भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि लीप करता है ना, तो इसे लिपर्ड, यानी लीप करना क्या होता है, लिप्ट करना, जंप करना। तो जो एनिमल ये बहुत तेजी से जंप कर सकते हैं इसे लिपर्ड
बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉलिंग मतलब क्या होगा? स्ट्रॉलिंग मतलब वॉकिंग कैजुअली, यानी आराम से आप कहीं भी बिना किसी काम के घूमते फिरते हैं, तो उसे स्ट्रॉलिंग कहा जाता है। फ्रॉथ मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ बढ़ना। तो अगर घूमते हुए आगे की तरफ से आप ये देखते हैं कि अब बीस्ट व्यू आपको एक ऐसा जानवर दिखाई देता है हुज हाइड, हाइड मतलब क्या है, स्किन, जो कलर एनिमल की स्किन है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड। तो ऐसी उसकी स्किन है विद स्पॉट्स इज पिपर्ड, पिपर्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्पॉटेड स्किन है। नहीं, आप देखते हैं ना लेपर्ड की स्किन कैसे होती है, गोल गोल से ब्लैक ब्लैक कलर की क्या होते हैं इस पर, है ना, स्पॉट्स होते हैं। तो इसकी जो स्पॉटेड स्किन है, अगर आपको ऐसा कोई बीस्ट दिखाई देता है घूमते फिरते, एज सून एज ही हैज लिप्ड ऑन यू, तो लेप्ट इसमें क्या होता है, एल ई ए पी टी होता है इसका प्रोनंसिएशन, सॉरी इसकी स्पेलिंग जो होती है एल ई ए पी टी होती है, लेकिन यहाँ पर इसने पोइट ने ए नहीं लिखा है, ठीक है। सो जैसे ही आप उसे देखते हैं वो आपकी तरफ आके और क्या करता है, जंप लगा देता है आपकी तरफ आके, छलांग लगा देता है, जंप लगा देता है, एंड यू विल नो इट इज लियोपर्ड, और आपको पता चलेगा कि वो लियोपर्ड है, ठीक है। इट विल डू नॉट गुड टू रोड विथ पेन, और आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं दर्द के मारे। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, क्योंकि वो आप पे बार बार जंप करेगा और बार बार आपको, जब तक मतलब आप अच्छे से मर नहीं जाते तब तक आपको छोड़ेगा नहीं वो, तो बार बार आप पे जंप करेगा। तो इट्स नो यूज़ कि आप उसके सामने ज़ोर ज़ोर से रोएं या चिल्लाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये जो स्पेलिंग मैंने बताई थी एल ए पी टी लिप्ट होती है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये हम पोएटिक लाइसेंस है ऑब्वियसली पोइट का कि वो ऐसा कर सकता है। देन आप देखिए कि यहाँ पर लीप एंड लीप, दो वर्ड सेम साउंड के बार बार रिपीट हो रहे हैं, लीप एंड लीप, तो इसे हम रिपीटेशन बोलते हैं। वर्ड्स रिपीट होते हैं सेम साउंड्स के, रिपीटेशन है। लेटर्स रिपीट होते हैं सेम साउंड्स के, वो कॉन्सोनेंस एसोनेंस में आ जाते हैं या अलिट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अलिट्रेशन भी लिख सकते हैं आप, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि असोनेंस है या कॉन्सोनेंस है, तो अलिट्रेशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर सेंटेंसेस रिपीट होते हैं, है ना, सेम राइम्स सेम साउंड्स के, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन। क्या बोलते हैं? रिफ्रेन, आर ई एफ आर ए आई एन, रिफ्रेन, ठीक है। सो यहाँ देखिए लीप एंड लीप हुआ, तो हमने इसे रिपीटेशन दे दिया। अब यहाँ पे भी देखिए ओ साउंड भी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्पॉट्स, सून, नो, डू नॉट, गुड, रोर, तो एसोनेंस है ओ साउंड का, ठीक है। एक यहाँ पर ल साउंड भी रिपीट हो रही है, लीप एंड लीप, ल ल रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कॉन्सोनेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ल ल रिपीट हो रहा है ना, और हम इसे क्या कर सकते हैं, लिप्ट, लिपॉड, लैप, लीप, लीप, तो ल ल साउंड रिपीट हो रही है, तो ल से कॉन्सोनेंस हो सकता है, और लीप लीप वर्ड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बात करी पोएटिक लाइसेंस की, इसमें कि यहाँ पर इसने स्पेलिंग चेंज करी है, तो पोएटिक लाइसेंस इसके पास। So these are actually the poetic devices that we have discussed. Three paragraphs are remaining that we will discuss in the next video. Hopefully you like the poem, hopefully you understand the poem, and if you have any difficulty you can discuss with me. So till then, happy learning.